त्रिपुरा विधानसभा में विधायक के अभद्र व्यवहार का एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायक सुदीप राय बर्मन स्पीकर का मैस लेकर भाग गए। सदन में वन मंत्री नरेश जमातिया से जुड़े निजी आरोपों पर हंगामे के बीच वर्मन मैस लेकर भागने लगे, जिसके बाद साथी विधायकों और मार्शलों ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। दरअसल शून्यकाल के दौरान तृणमूल विधायक और विपक्ष के पूर्व नेता सुदीप राय वर्मन ने एक बांग्ला अखबार में प्रकाशित मुद्दे को उठाया था। इसके बाद नरेश जमातिया खड़े हो गए और कहने लगे कि अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट निराधार है और उनकी छवि खराब करने की साजिश है। मंत्री ने कहा कि उन्होंने अखबार के खिलाफ अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया है, जिस पर विपक्ष के विधायक नारेबाजी के साथ मुख्यमंत्री माणिक सरकार से बयान की मांग करने लगे, जिसके बाद विपक्षी सदस्य सदन के बीचों बीच आ गए और नारेबाजी करते हुए अध्यक्ष रमेंद्र देवनाथ से चर्चा कराने की अनुमति की मांग की। इसी बीच बर्मन अध्यक्ष का मैस लेकर सदन के बाहर निकल गए। इस पूरे मामले पर स्पीकर ने मीडिया से कहा कि बर्मन ने पहले बिना कोई नोटिस दिए शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाया। इसके बाद विपक्षी दल के नेता सदन के वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। तभी अचानक बर्मन ने मैस को उठाया और सदन के बाहर निकल गए। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जनवरी 1972 में त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। इसके बाद राज्य की विधानसभा में मैस लेकर जाने की 3 घटनाएं हो चुकी हैं।